नमस्कार दोस्तों, मोबाइल टिप्स ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी मोबाइल में बैक बटन को चेंज कैसे किया जाता है। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, हमारे पास ये है रेडमी का मोबाइल। दोस्तों, आप अगर चाहते हो बैक बटन को चेंज करना, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये दोस्तों है बैक बटन। इसको दोस्तों अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में भी कर सकते हो, अगर आपको राइट में रखना है तो राइट में भी कर सकते हो। तो दोस्तों, बैक बटन को चेंज करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बैक बटन को चेंज करने के लिए आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, तो आपको सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको मिरर बटन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके सामने टिक इनेबल रहेगी। तो अगर आपके मोबाइल में इस तरह से डिसेबल है तो आपके मोबाइल की बैक बटन समझो लेफ्ट साइड में है। अगर आपको राइट साइड में बैक बटन रखना है तो मिरर बटन्स के सामने टिक जो है इसको इनेबल कर दोगे तो आपकी बैक बटन राइट साइड में हो जाएगी, अगर डिसेबल कर दोगे आपकी बैक बटन लेफ्ट साइड में हो जाएगी। दोस्तों, इसी टिक से आप अपने मोबाइल की बैक बटन को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट में कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल का बैक बटन आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप रेडमी के किसी भी मोबाइल में बैक बटन को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट में कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।